जानकारी दे देते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ती जा रही है, ये जानकारी है। और लालू यादव की सेहत के लगातार बिगड़ने के बाद खबर ये है कि राबड़ी देवी जो है वो रांची के रिम्स हॉस्पिटल पहुंचने वाली हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। लालू यादव की सेहत में बीते 3 से 4 दिनों से कोई सुधार नहीं देखा गया है और डॉक्टरों ने किडनी फेल होने की आशंका भी जताई है। और इसके बाद इससे पहले लालू यादव को डिप्रेशन की शिकायत भी बताई गई थी। आपको बता दें चारा घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान ही लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद रांची के रिम्स हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था। और इस पर और ज्यादा जानकारी शिव पूजन झा दे रहे हैं। तो शिव पूजन, लगातार लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, ऐसे में खबरें राबड़ी देवी को लेकर भी हैं कि वो रिम्स हॉस्पिटल पहुंचेंगी उनका हालचाल जानने के लिए। देखिये, परिवार हर तरफ विपत्तियों से घिरा हुआ है। आज राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव के पास जाना था लेकिन किसी कारणों से वो नहीं गई और उसी वक्त तेज प्रताप यादव की सास वो पहुंची है। दोनों में मुलाकात का दौर अभी फिलहाल चल रहा है। बताया जा रहा है, जो डॉक्टरों से अभी जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव का शुगर लेवल 190 तक पहुंच गया है, डिप्रेशन के शिकार है, नींद नहीं आ रही है, दिन में भी उन्हें सोने की पहले डॉक्टरों ने सलाह दी थी, इन्फेक्शन हुआ है पैर में, पैर काफी सूज गया है, 14 अलग अलग तरह की बीमारियां लालू प्रसाद यादव को है, हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार है लालू प्रसाद यादव। सबका इलाज जरूर चल रहा है लेकिन जैसे कि तेज प्रताप यादव ने उनकी बातों को नजरअंदाज करके जब घर से गायब हो गए हैं उसके बाद से उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। जी शिव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लालू यादव की तबीयत बिगड़ना एक बात और परिवार से उनको मिलने वाली परेशानियां शायद उनकी तबीयत बिगाड़ने में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं।